हेलो गाइस, योर मोस्ट वेलकम ऑन ज्ञानेश्वर क्लासेस। आज हम आप लोगों को टेंस से जुड़ा हुआ फ्यूचर परफेक्ट टेंस बताने जा रहा हूँ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस बताने जा रहा हूँ। इसके पहले हमने इसी टेंस का अफर्मेटिव निगेटिव बताया था, आज हम आप लोगों को अफर्मेटिव निगेटिव इंटरोगेटिव बताया था, और हम आज आप लोगों को इंटरोगेटिव सेंटेंस बता रहे हैं। जिन वाक्यों में शुरू में क्या लगा हो उसमें कर्ता के पहले भी असर लगाते हैं। अगर वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द हो तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी और कर्ता के पहले भी असर और साथ में हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं। फिर गाइस उसमें क्या करेंगे, तीसरा रूल आपको ये बताता है कि इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट में कर्ता के बाद नक्ता लगा देते हैं, और हाउ मेनी हाउ मच बीच उस के साथ उसे संबंधित रखने वाले नाउंस लगाते हैं, और वाक्य के अंत में जैसा कि आपको हमने इसके पहले ही बताया है कि अगर कहीं प्रश्न सूचक टाइप में है वाक्य तो उसमें वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं। तो गाइस इतने के बाद से आज हम देखते हैं कि एग्जांपल्स दिया हुआ है, क्या 2 बजे से बातचीत करता रहेगा, तो हमने इसका बनाया है विल ही हैव बीन टॉकिंग सिंस 2 o'clock, और निश्चित समय सिंस, क्या हम सुबह से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो सुबह से सुबह का कोई निश्चित समय नहीं है, तो इसलिए इसमें हमने अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाया है, और इस तरह से सेल की हर दिन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। दिया तुम 2 दिन तक कैसे पढ़ते रहोगे, तो वाक्य के बीच में कैसे आया है, तो इसकी अंग्रेजी हमने पहले ही बना दिया। जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द हो तो उसकी अंग्रेजी पहले बनाते हैं, तो इसलिए हमने कैसे की अंग्रेजी हाउ यहाँ पर पहले लिख दिया है, और फिर उसके बाद हाउ विल यू हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days। फिर अगला दिया हुआ है वे 4 बजे से अपना समय क्यों नष्ट करते रहेंगे, तो व्हाई विल दे हैव बीन वेटिंग, व्हाई विल दे हैव बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस 4 o'clock। फिर अगला है क्या मैं शनिवार से नहीं सो रहा हूँगा, तो सेल आई नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस मंडे। दोपहर से कितने लड़के शोर मचाते रहेंगे, तो कितने लड़के यानी कि हाउ मेनी बॉयज पहले आ जाएगा, और विल हैव बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस नून। तो गाइस इस तरह से हमारा टेंस कंप्लीट हुआ। हम आगे देखेंगे चार्ट टाइप में, चार्ट टाइप में यह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं आता है, रही है, रहे हैं, रहे हो आते हैं, और कार्य आरंभ होने का समय दिया हुआ होता है, तो उसके साथ क्या करते हैं, ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं, आई वी यू दे के साथ बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं, और से की अंग्रेजी फॉर निश्चित समय के लिए, तो हर निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं, जैसे कि आपको अभी अभी हमने एग्जाम्पल में भी बताया है। तो गाइस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखते हैं, चाहे एकवचन या बहुवचन कर्ता दोनों के साथ हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं। अगर वाक्य में 2 कार्य भूतकाल में हुए तो कार्य जो दूसरे कार्य के आरंभ होने तक जारी रहा हो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य के अंत में रहेगा, रहेगी, रहूंगा, रहूंगी, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे आदि आते हैं, तो आई वी के साथ सेल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी आता है, आई वी के साथ विल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी आते हैं। तो गाइस ऐसे में आपने देखा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस टेंस चार्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आपने देखा। तो गाइस आज हमने आपका टेंस जो कि पिछले 4 महीने से हर रविवार को पढ़ाते आ रहा था, इधर रविवार को हमने इस टेंस को पढ़ाया नहीं था, तो आज हमने पूरा टेंस कंप्लीट कर दिया। टेंस के पार्वो टाइप्स रूल्स एग्जाम्पल्स ये आप देखते रहिएगा टाइम टू टाइम से हमारे चैनल पे। आने वाले समय में क्लास 10th का इंग्लिश फाइनल करने के बाद क्लास 10th का मैथ फाइनल करने के बाद क्लास 9th का मैथ मैं स्टार्ट करूँगा, और उसके बाद आपका जनरल नॉलेज ये 2 टॉपिक लेकर के इन फ्यूचर में हमारा चलने की प्लानिंग है। थैंक यू गाइस, अब हम इसके वास्ते नेक्स्ट वीडियोज़ में शुरू करते हैं, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।